हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लैंक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सेफ्टी प्रैक्टिसेस एंड सेफ्टी साइंस। इसके पहले हम लोग सेफ्टी साइंस पढ़े थे, जो भी साइंस पढ़े थे, रोड साइंस पढ़े थे। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन साइड में, वहाँ पर जितना साइन, जितना प्रकार के साइन हो, तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, साइन कितना प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। नंबर वन, पोर रिपीटेशन साइन, इसको हिंदी में बोलते हैं निषेधात्मक चिन्ह। उसके बाद दो नंबर है मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन मतलब जो आवश्यक चिन्ह है उसको बोलते हैं। उसके बाद है वार्निंग साइन, मतलब आपको चेतावनी चिन्ह दे रहा है, चेतावनी जो चिन्ह इसको बोलते हैं वार्निंग साइन। उसके बाद है चार नंबर में इंफॉर्मेशन साइन, जो आपको सूचना दे, सूचना चिन्ह। तो इस चार प्रकार के चिन्ह के बारे में हम लोग डिटेल से एनालाइज करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो पहली वाला जो है पोर रिपीटेशन साइन, तो पोर रिपीटेशन साइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पोर रिपीटेशन साइन जो होता है वो देखने में कैसा होता है, मतलब वो उसका शेप आपको पूछा जाता है, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका वो किस कैसे बना रहता है, वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पोर रिपीटेशन साइन जो उसका कलर, पहले उसका शेप, सॉरी शेप उसका क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल जैसा रहेगा उसका शेप, ठीक है। और उसका कलर, मतलब उसका कलर क्या होगा, कलर होगा रेड बॉर्डर, उसका जो बॉर्डर होगा, ये जो बॉर्डर आप लोग देख रहे हैं ना, ये रेड होगा। एंड क्रॉस बार, मतलब रेड होगा, ऐसे ऐसे क्रॉस बार करके देखें, यहाँ पर आप ब्लैक एंड व्हाइट में आप लोग देख पा रहे हैं उसी तरह। और ब्लैक सिंबल ऑन व्हाइट एंड ऑन व्हाइट बैकग्राउंड, तो ब्लैक सिंबल जो होगा, सिंबल जो होगा वो सिंबल ब्लैक से दिया, मतलब ड्रॉ किया रहेगा, और उसका जो बैकग्राउंड होगा ये वाला बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा। ये सब चीज आपको याद रखना है, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। मीनिंग क्या है इसका, मतलब इसका ये जो चिन्ह दिया गया उसका मतलब आपको क्या करना है, सो इट मस्ट नॉट बी डन, जो आपको दिया गया उसको आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पर दिया है स्मोकिंग के बारे में दिया गया, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करना आपको। एग्जाम्पल जैसे नो स्मोकिंग जो यहाँ पर दिया है, ठीक है। इस तरह दो तीन एग्जाम्पल है, देखिए स्मोकिंग एंड नेकेड फ्लेम्स प्रोहिबिटेड। सोचिए कहीं पर फ्लेमेबल ऑयल है या फ्लेमेबल कुछ चीज है जहां पर आग लग सकता है, उस जगह पे आप कुछ माचिस या कुछ वहां पर आग नहीं जला सकते और स्मोकिंग नहीं कर सकते, उसका भी चिन्ह यहां पर दिया हुआ है एग्जांपल के थ्रू। डू नॉट एक्सटिंग्विश विद वाटर, यहाँ पर आप मतलब जहां पर एक ऐसा कुछ जगह हो सकता है जहां पर आग लग गया, तो वहां पर आप आग पानी से नहीं बुझा सकते। क्यों, देखिए कहीं पर सच इलेक्ट्रिक का सर्किट है, कहीं पर कुछ ऐसा कुछ है, वहां पर बाय चांस आग लग गया, उसके लिए अलग सा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो वहां पर आप वाटर से उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वाटर से एक्सटिंग्विश करते हैं, मतलब उसको बुझाते हैं, देन और भी डेडली शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और भी खतरा हो सकता है, तो वहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पेडिस्टेंट प्रोहिबिटेड, मतलब ऐसा भी जगह हो सकता है कंस्ट्रक्शन साइड में, कहीं पर भी फैक्ट्री में, कहीं पर भी, मतलब वहां पर आप लोग पैदल नहीं जा सकते उस जगह पे, अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ आपको मतलब वो आपको मानना ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन मतलब आपको मानना ही आवश्यक, ठीक है। तो देखिए इसका मैंडेटरी साइन जो है उसको मतलब शेप कैसा होता है, इसका भी शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है, इसका भी शेप होता है सर्कुलर, तो इसका भी शेप सर्कुलर होता है, देखने में कैसा है, सर्कुलर, ओके। और कलर कैसा होता है, कलर इसका देखिए व्हाइट सिंबल, व्हाइट सिंबल जो सिंबल यहां पर रखे हैं, देखिए व्हाइट है, व्हाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, इसलिए ब्लू नहीं दिखा सकते, ब्लैक कलर लिखा हुआ, बट ये बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लू होगा। आप यहां पर ध्यान दीजिए, ब्लू बैकग्राउंड, व्हाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड, ओके। मीनिंग क्या है इसका, इसको आपको मानना ही है, shows what must be done, mandatory, ये मानना ही है। देखिए ग्लव्स का सिंबल दिया गया ना एग्जाम्पल में, यही वाला एग्जाम्पल में दिया गया, देखिए इसको वेयर हैंड प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पर कुछ भी आप काम कर रहे हैं जहां पर हाथ का मतलब हाथ कट जाने का या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर ग्लव्स वहां पर पहनना ही है, ठीक है। तो इस तरह का देखिए बहुत सारा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए वेयर, यहाँ पर देखिए हेलमेट का चिन्ह दिया गया, देखिए सर्कुलर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ब्लू है, और ये जो मतलब हेड देख रहे हैं इसका, जो हेलमेट दिया हुआ है वो हेलमेट किसका सिंबल किससे दिया हुआ, व्हाइट कलर का, ओके। तो इसी तरह सेम, तो यहाँ पर देखिए वेयर हेड प्रोटेक्शन, मतलब कहीं पर यहाँ पर आपको मतलब ऐसा अगर दिया रहे, मतलब वहां पर आपको हेलमेट पहनना ही है, ठीक है।
अगर कुछ चीज आपको सिर पे पड़ सकता है, आपको चोट लग सकता है, वहां पर आपको पहनना आवश्यक है। यहाँ पर इस टाइप का अगर सिंबल लगेगा तो वेयर वेयर आई प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पर आपको मतलब आँख में चश्मा पहनना है, गोगल्स पहनना है, क्योंकि आपको आँख को क्षति पहुंच सकता है। यहाँ पर भी देखिए जैसे यहाँ पर मतलब जैसे लिखा हुआ है वेयर हियरिंग प्रोटेक्शन, जैसे कहीं पर कुछ मशीन में आप काम कर रहे हैं तो मशीन का साउंड बहुत ही ज्यादा है, वहां पर आपको कान को क्षति पहुंचा सकता है, तो उस जगह पे आपको इस तरह का प्रोटेक्शन लेना है, जो आपके हेडफोन जो देखते हैं ना उस टाइप का चीज यहाँ पर है। देखिए वेयरिंग और देखिए सेकंड वाला मतलब उसके बाद वाला वेयर फुट प्रोटेक्शन, कहीं पर इस तरह का चीज रहेगा तो आपको इस तरह का शूज पहनना ही है उस सिचुएशन में। ओके वेयर हैंड प्रोटेक्शन, कहीं पर आप ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको हैंड प्रोटेक्शन लेना है तो वहां पर आपको हैंड प्रोटेक्शन लेना ही है। कहीं पर सोचिए गैसेस या कुछ टॉक्सिक चीज मतलब निकल रहा है तो वहां पर आपको इस तरह का मास्क पहनना है, वेयर इस तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहनना ही है। ओके और देखिए यहां पर वेयर सेफ्टी हैड, क्या लिखा हुआ है, सेफ्टी हार्नेस और बेल्ट दिया हुआ है यहां पर। तो इस सिचुएशन में कहीं पर सोचिए हाइट में मतलब आप चढ़ने वाला जगह है वहां पर उसको उस जगह पे आप ऐसे बेल्ट लगा के ऐसे आपको चढ़ना है, नहीं तो आप ये आवश्यक है, मतलब ये आप नहीं मानेंगे तो गलत है। ओके यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ आप इक्विपमेंट है वहां पर गार्ड, इस तरह का गार्ड आपको यूज करना है क्योंकि वहां पर किसी को चोट लग सकते कट सकता है। ठीक है वॉशिंग हैंड, मतलब यहाँ पर जो चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पर आपको हाथ धोना है, मतलब उस टाइप का अगर सिंबल वहां पर लगा है क्योंकि कुछ केमिकल या कुछ भी कारण से आपका हाथ मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, कोई आप मुंह में हाथ दें या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस टाइप का मैंडेटरी आपको साइन मान के चलना है ताकि आपको क्षति ना पहुंचे। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं मैंडेटरी के बाद वार्निंग साइन में। देखिए वार्निंग मतलब चेतावनी, आपको चेतावनी साइन जो आपको सेफ रखने के लिए आपको चेतावनी साइन यहाँ पर दिया जाता है। तो वार्निंग साइन देखिए उसका शेप वगैरह कैसा होता है, इसका शेप होता है ट्रायंगुलर, ठीक है देखने में ट्रायंगुलर होता है। ओके कलर कैसा होता है इसका, येलो बैकग्राउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चेतावनी चिन्ह है उसका बैकग्राउंड क्या होता है, येलो होता है यहाँ पर। ठीक है विद ब्लैक बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर होता है ब्लैक बॉर्डर होता है, ठीक है विद ब्लैक बॉर्डर एंड ए सिंबल, एंड ए सिंबल, सिंबल भी ब्लैक होता है। तो इसका बैकग्राउंड क्या होता है येलो एंड इसका सिंबल ब्लैक एंड बॉर्डर भी ब्लैक, मीनिंग क्या है वन ऑफ हैजर्ड्स और डेंजर, मतलब ये आपको वन कर दे रहा है हैजर्ड कुछ क्षति पहुंचाए ना डेंजर के वजह से। ठीक है तो आपको ये आपका सेफ्टी के लिए बहुत ही मतलब आपको सेफ्टी का ध्यान करते हुए इस टाइप का वार्निंग आपको यूज वहां पर यूज किया जाता है साइड में या कहीं पर भी यूज किया जाता है जहां पर जरूरत है। इसके बाद देखिए एग्जांपल कॉज एंड रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर एग्जांपल क्या चीज का एग्जांपल दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक, ये वाला चिन्ह क्या है इलेक्ट्रिक शॉक का। तो सोचिए कहाँ पर इलेक्ट्रिक मतलब बहुत सारा इक्विपमेंट रखा हुआ है या तार बिछा हुआ है यहाँ पर शायद कुछ फॉल्ट हो सकता है तो वहां पर आपको जाना माना है, आप जाएंगे तो ध्यान से क्योंकि वहां पर इस तरह का सिंबल दिया गया इलेक्ट्रिक शॉक खाने का आपको चांसेस है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का मैं बहुत सारे एग्जांपल मैं पिक्चर यहाँ पर लेके रखा हूँ तो आप लोग देखिए यहाँ पर रिस्क ऑफ फायर, इस तरह का चिन्ह रहेगा तो वहां पर कुछ आग लगने का चांस है तो वहां पर आप सावधान हो जाइए। ठीक है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ये अभी हम लोग डिस्कस किए यहाँ पर। उसके बाद देखिए टॉक्सिक हैजर्ड, कहीं पर टॉक्सिक वाला कुछ मतलब केमिकल या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है वहां पर आप सावधान हो जाइए। उसके बाद कोरेसिव सब्सटेंस, रिस्क ऑफ आयनाइज्ड रेडिएशन, रेडिएशन का कुछ यहाँ पर लेजर बीम का, ठीक है और क्या यहाँ पर रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, कुछ फटने वाला वहां पर कुछ मतलब जैसे कुछ ब्लास्ट करने वाला चीज है, गैसेस है या कुछ बारूद है तो वहां पर इस तरह का चिन्ह है, आप वहां पर सेफ हो जाए, वहां पर आप ध्यान से काम कीजिए। ओवरहेड ऊपर से गिरने वाला जहां पर गिर सकता है संभावना है वहां पर आप सावधान हो जाइए। इस तरह का चिन्ह जो है जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर, इस टाइप का चिन्ह जनरल कुछ भी डेंजर होगा वहां पर यूज कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो खास करके अगर पर्टिकुलर अगर हम लोग यूज उस अगर नहीं पता है पर्टिकुलर क्या चीज का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है तो उस जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए इसके बाद ओवरहेड लोड वहां पर जहां पर है इस टाइप का चीज है गिर सकता है किसी के ऊपर या किसी क्षति पहुंच सकता है उस टाइप का चीज यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए रूप वाला चिन्ह यहाँ पर कहीं पर टूटने वाला यहाँ पर आप जाएंगे तो टूट सकता है तो इस टाइप का चिन्ह वहां पर यूज किया सकता है। यहाँ पर देखिए फॉर्क लिफ्ट ट्रक, इस टाइप का ट्रक जहाँ पर है वहां पर आपको क्षति ना पहुंचे वहां पर जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, इस टाइप का चिन्ह वहां पर वार्निंग साइन आपको पहले से दे चुका है। ठीक है इसके बाद देखिए हम लोग इसके बाद देखेंगे इंफॉर्मेशन साइन मतलब जो साइन आपको इंफॉर्मेशन दे सूचना चिन्ह। देखिए इसका शेप क्या होता है, शेप होता है स्क्वायर और
ऑबलोंग, ऑबलोंग मतलब देखिए स्क्वायर मतलब चार समान है, ऑबलोंग मतलब इस टाइप का होगा, लंबा टाइप में हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, ओके। कलर क्या होगा इसका? व्हाइट सिंबल, जो सिंबल होगा व्हाइट होगा, और ग्रीन बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है इसका एक ग्रीन होगा, एक ग्रीन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मीनिंग, इसका मीनिंग क्या, मतलब इसको आपको मानना ही है या मान सकते हैं नहीं सकते हैं। इंडिकेट्स और गिव्स इंफॉर्मेशन सेफ्टी प्रोविजंस, मतलब जो यहाँ पर इंडिकेट किया गया वो आपको सेफ्टी के लिए भी हो सकता है या इंफॉर्मेशन के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर आप मान सकते, या मानने वाला चीज नहीं, इंफॉर्मेशन है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेफ्टी के कारण भी हो सकता है या आपका खाना पीना कुछ भी चीज हो सकता है। एग्जाम्पल फर्स्ट एड पॉइंट, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट एड, यहाँ पर देखिए कुछ मैं एग्जाम्पल लेके रखा हूँ। देखिए ईटिंग प्लेस, मतलब इस टाइप का अगर चिन्ह रहेगा मतलब आपको पता चल जाए यहाँ पर इस प्लेस में कहीं खाने वाला चीज यहाँ पर है, मतलब खाने वाला जगह है, आप पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन साइन। पब्लिक टेलीफोन, इस टाइप का पब्लिक टेलीफोन जहाँ पर उस टाइप का चिन्ह लगा हुआ है, या आपको इस चिन्ह देखकर पता चल जाएगा कि वहाँ पर पब्लिक टेलीफोन वाला सिस्टम है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का चिन्ह यहाँ पर ऐसे इस टाइप का सिंबल दिया रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए फिलिंग स्टेशन, जैसे पेट्रोल पंप, आपको मैं रोड सिंगल में बताया था पेट्रोल पंप वाला, उस टाइप का सेम चीज यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिलिंग स्टेशन मतलब जहाँ पेट्रोल पंप भरने वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एड जिसको हम लोग अभी डिस्कस किए, ओके। इसके बाद देखिए लाइट रिफ्रेशमेंट, मतलब कुछ चाय वाय पीने के लिए, मतलब इस टाइप की इंफॉर्मेशन आप मतलब साइन बोर्ड यूज कर सकता है। तो ये है इंफॉर्मेशन साइन का जितना भी एग्जाम्पल्स। तो आप लोग को मतलब अनुरोध है कि जितना भी आपको मैं यहाँ पर सिग्नल दिखाया हूं, मतलब जितना भी आपको साइन दिखाया हूं, सॉरी, आपको मतलब साइन को मतलब अच्छे से नोट करना है। चार प्रकार का साइन को आप अच्छे से नोट करना है, और जैसे मैं यहाँ पर एक एक करके मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूं, उसका कलर वगैरह इसका जो भी है ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा क्या फोर रिपीटेशन साइन है, उसका जो बैकग्राउंड कलर क्या है, उसका जो पिक्चर है उस किस कलर से बना रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और कुछ नहीं। और यहाँ पर जितना भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिया हूँ, इसका मीनिंग अगर आपको पता है, मतलब फोर रिपीटेशन मतलब क्या होता है, उसके बाद वार्निंग मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पर मैं बताया, मैंडेटरी मतलब क्या होता है, मैंडेटरी साइन मतलब क्या होता है, तो ये सब चीज अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कोई भी साइन आपको देख के बोल सकते हैं कि या मिलिट्री है या वार्निंग है या इंफॉर्मेशन है। तो इस टाइप का कोई भी साइन आपको एग्जाम में दे सकता है। तो आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, बाय बाय।